बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड से रिलेटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स इसके इशू हैं वो डिस्कस करूंगा। मजीद आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड, और इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो चीजें मैं आप लोगों को सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में पिछली वीडियोज में बताता हुआ आ रहा हूँ उसका इम्पैक्ट आज देखेंगे इंडिविजुअल कंपनी जो हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखेंगे, जरूर आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो से फायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन है, इसमें हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड से रिलेटेड डेटा आप लोगों के सामने शो हो रहा है। ईच एंड एवरी थिंग आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे हर कंपनी से रिलेटेड जो लिस्टेड कंपनी है वो आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं हैस्कोल का शेयर इस टाइम 14 रुपीज पे है। आगे चल के देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि कितना इस पे फ्लक्चुएशन आ सकती है। उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि इसमें कंपनी की प्रोफाइल आ रही होती है, कंपनी के जो चेयरमैन है उनका नाम आ रहा है, सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। जो बिगनर्स हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वो अपना डाटा पब्लिक करती हैं। उसका मकसद ये होता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो देखना चाहते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी के रिजल्ट्स क्या हैं। तो लायबिलिटी है हर कंपनी के ऊपर कि वो अपने डाटा को पब्लिक करे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि जनरल पब्लिक को डाटा मिल सके कि जो फ्यूचर के इन्वेस्टर हैं वो भी देख सकें कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो अगर इसकी इक्विटी प्रोफाइल देखी जाए तो इसके 60% जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके 60% शेयर्स फ्री फ्लोट कर रहे हैं इस टाइम स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको आम जो शेयर होल्डर है उसको खरीद सकता है, इन्वेस्टर खरीद सकता है, तो वो 60% उसकी रेशियो चल रही है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जो इसकी अनाउंसमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अगर आप किसी इंडिविजुअल कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जितनी भी अनाउंसमेंट उससे रिलेटेड आ रही होती है तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि उनको देखें कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा परफॉर्म कर सकती है। अब 17 जुलाई को अगर आप लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को तो आप लोगों को पता होगा कि 17 जुलाई को हैस्कोल जो कंपनी है उसने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स इशू किए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूं, उससे पहले जो फाइनेंशियल डाटा है इसमें वो उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिसका कंपैरिजन आप लोगों के सामने आ रहा है 2016, 17, 18 और 19 का। तो अब इसका इस कंपनी का जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर है, तो हर साल 31 दिसंबर को ये ईयर एंड करते हैं, उसके बाद इनका ऑडिट होता है, फिर उसके बाद जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, फिर उसके बाद जो इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो इश्यू होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे और बाकी जो इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं उस पे इश्यू होता है। तो अगर इसका कंपैरिजन देखा जाए 2018 का साथ उसका 2019 का कंपैरिजन किया जाए तो एक बहुत बड़ा डिक्रीज आया है इनकी सेल्स में, 232 मिलियन से डिक्रीज आया है 154 मिलियन पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30-40% इनकी सेल्स कम हुई है। आगे चल के डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हैस्कोल की जो सेल्स हैं वो कम हुई हैं। फिर उसके बाद अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखा जाए तो ये लॉस में गई है कंपनी 2019 में, 2018 में भी ये लॉस में थी, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हुआ है इनको 2019 में। इससे रिलेटेड जो सिस्टमैटिक रिस्क को ये कह रहे हैं कि वो बड़ा है इस सेक्टर में, वो आगे चल के आप लोगों के साथ मजीद में डिस्कस करूंगा। इसी तरह इनका अर्निंग पर शेयर नहीं है, ये लॉस पर शेयर है जो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, इट्स मीन कि बहुत ज्यादा इनका लॉस बड़ा है 2019 में एज कंपेयर टू 2018 के। अगर आप लोग 2017 और 16 के इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखेंगे तो ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी और उसके बाद ये 2018 और 2019 में ये लॉस में चली गई है। अब आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखें, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें कि ये कंपनी लॉन्गर टर्म के लिए सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि जो रिजल्ट्स इसके शो हो रहे हैं ये कंपनी लॉस में जा रही है। अब मैं आप लोगों को छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि लेट्स सपोज आप एक दुकान खोलते हैं, वो पहले साल बहुत अच्छी चली है, दूसरे साल बहुत अच्छी चली है, अगर आप लोगों के एरिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया, उस दुकान के सराउंडिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया, तो आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उस जो दुकान है उसका सेल्स वॉल्यूम गिर सकता है, जिसकी वजह से
कंपनी फ्यूचर में गोइंग कंसर्न के इश्यूज फेस कर सकती है, यानी कि जो कंपनी लॉन्गर टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर सकती। अब उसके भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो आप लोगों को मजीद आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फिर इसकी रेशियोज देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा देख रहे होते हैं, जिस तरह से वॉरेन बफेट या दूसरे इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े दुनिया के, वो रेशियोज पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और कंपनी की ग्रोथ फाइंड करते हैं आने वाले टाइम की, जिससे वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस कहां पे जा सकता है फ्यूचर में। तो अगर आप लोग देखेंगे कि 2018 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 4.61% था, अगर देखा जाए 2019 में तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से ग्रॉस लॉस में चला गया और 1.2% इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है। और इसी तरह से अगर बाकी इसकी रेशियोज देखी जाए तो वो काफी ज्यादा बुरी शो हो रही है, जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस कंपनी के लिए लॉन्गर टर्म के लिए सरवाइव करना मुश्किल है, अनटिल अनलेस अगर इसके पास कोई ऐसे प्लान्स है कि वो फ्यूचर में उसको इंप्लीमेंट करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्गर टर्म के लिए सरवाइव कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिलेंगी, क्योंकि लॉन्गर टर्म के जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हैस्कूल से रिलेटेड मैं उन लोगों को आज इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करूंगा, जिससे उन लोगों को आइडिया होगा कि ये कंपनी फ्यूचर में कहां पे जा सकती है। तो अब चलते हैं जी, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन्होंने इशू किए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे 31 December 2019 का जो ईयर एंड था उस पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं जो डायरेक्टर्स की तरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ गया है। जो जीएम था हैस्कूल प्राइवेट लिमिटेड का, उसने जो लेटर लिखा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, उसमें आप लोगों के लिए सामने एक चीज नजर आ रही होगी कि डिविडेंड वो अमाउंट होती है जो कंपनी अपने प्रॉफिट से अपने शेयर होल्डर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक अमाउंट जो उनको प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो डिविडेंड आप लोग देख सकते हैं निल है। इसका मतलब यह है कि जितने भी लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई थी और वो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन लोगों के लिए पूरी खबर यह है कि 31 December 2019 पे जो ईयर एंड हुआ है उस पे हैस्कूल ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। अब मजीद चल के इसके फाइनेंशियल डिटेल्स देखते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को इसका रेवेन्यू बताऊंगा और एंड पे चल के हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा सिस्टमैटिक रिस्क था जिसने इंपैक्ट किया है स्कूल को, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बुरी हुई है। तो आप लोगों के लिए सामने इस जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, इसमें आप लोगों के सामने आ रहा है 2018 और 2019 का जो कंपैरिजन है वो इस वजह से दिया जाता है, जो इन्वेस्टर है वो देखेंगे पिछले साल किस तरह की कंपनी की पोजिशन थी और इस साल किस तरह की पोजिशन है कंपनी की, किस तरह से प्रॉफिट और लॉस पे जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2018 में 274 मिलियन की इसकी सेल्स थी और 2019 में बिफोर टैक्स, ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं बिफोर सेल्स टैक्स के, वो 179 मिलियन पे चली गई। इट्स मीन के जैसा कि मैंने आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके फाइनेंशियल जब दिखाए थे, इसमें बताया था कि 30-40% इसमें डिक्रीज आया इसकी सेल्स में। तो नेट सेल्स में भी देखा जाए तो जो आफ्टर टैक्स अगर आप इसकी सेल्स देखेंगे तो 232 मिलियन से डिक्रीज होकर 154 मिलियन पे आई। इट्स मीन के 20-30% इसकी सेल्स डिक्रीज हुई है। फिर एनालिटिकली अगर मजीद चीजों को देखा जाए तो इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ऑल्दो इस टाइम इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है यानी कि जो प्रीवियसली जिसको बैलेंस शीट कहते थे वो अभी इश्यू नहीं हुई, मजीद चीजें उसमें डिस्कस करेंगे, वहां से हमें कंप्लीट पिक्चर मिलेगी। लेकिन अगर फाइनेंस कास्ट अगर आप लोगों को नजर आ रही है तो ये ऑपरेटिंग लॉस और प्रॉफिट के नीचे एक फाइनेंस कॉस्ट आ रही है। फाइनेंस कॉस्ट में एक बहुत बड़ा इंक्रीज आया है, वो 1 मिलियन से 7 मिलियन तक चली गई है, यानी कि 7 गुना तक इनकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई है। 7 times इसकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जे लिए हुए हैं। फाइनेंस कॉस्ट वो होती है जब कंपनी कर्जा लेती है तो उसके ऊपर एक अमाउंट बैंक को या लेंडिंग कंपनी को पे कर रही होती है, तो वो अमाउंट यहां पे शो हो रही है। इट्स मीन के कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी उसमें जो लाइबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई होंगी, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट आप लोग देख रहे हैं जो कर्जे के ऊपर। सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो कर्जे के ऊपर एक अमाउंट जो इंटरेस्ट की अमाउंट देते हैं वो अमाउंट आप लोग देख सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। इट्स मीन कि कंपनी की जो कैश पोजीशन है वो काफी बुरी थी, कंपनी के पास इतने पैसे नहीं थे, उस कंपनी ने इस हैस्कूल कंपनी ने काफी ज्यादा लोन्स लिए हैं कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी के ऑपरेशन को चलाने के लिए, तो बहुत बुरे हालात रख रहे हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न यानी कि साल या साल से ज्यादा चलने की जो एबिलिटी है कंपनी की हैस्कूल की वो काफी कम हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इंक्रीज आया फाइनेंस कॉस्ट में। अगर आप लोगों के सामने
सामने अगर बैलेंस शीट होती तो आप लोग जरूर देखते कि इसमें जो इसकी लाइबिलिटीज हैं, कर्जे हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते। तो ये एक बुरी पोजिशन शो कर रही है, जिससे मैं लॉन्गर टर्म के लिए इस कंपनी को बहुत बुरे हालात में देख रहा हूँ। अनटिल अनलेस मैं दोबारा मैंशन करना चाहता हूँ कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है कोई ऐसे फ्यूचर में अच्छे स्टेप्स ले जिसकी वजह से कंपनी का सर्वाइवल अच्छे से अच्छा हो सके। उसके बगैर कंपनी लॉन्गर टर्म के लिए मुझे सर्वाइव करती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये ब्रीफली आप लोगों के सामने मैं चीजें रख रहा हूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका लॉस पर शेयर है, अर्निंग्स नहीं है बिल्कुल भी। लॉस फॉर द ईयर बहुत बड़ा इंक्रीज आया, अगर आप लोग देखेंगे 2018 में 2,14,978 रुपए का इनका लॉस था, लेकिन यही लॉस बढ़ के 25 मिलियन पे पहुंच गया है। आप लोग खुद इमेजिन करें कि एक जो 2018 में बहुत कम लॉस था और 2019 में बहुत ज्यादा लॉस बढ़ चुका है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आने वाले टाइम में ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। दोबारा मैं मेंशन करूंगा कि अनटिल एनलेस ये कोई अच्छे स्टेप्स नहीं लेती अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद जो मेन चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जिस तरह से आप लोग मेरी वीडियोस में देखते होंगे कि मैं हमेशा आप लोगों के सामने कोशिश करता हूं कि सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बताऊं। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। जो कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनीज के जीएम जनरल मैनेजर हैं, उनकी तरफ से जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया गया है उसमें काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं और इन्होंने ये शो किया है कि फ्यूचर में वो कौन से ऐसे स्टेप्स लेंगे, तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले जो इन्होंने वजह बताई है कि जो इनके प्रॉफिट्स तो नहीं लॉस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह इन्होंने बताई है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की है, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू काफी ज्यादा कम हुआ है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन की है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसके बुरे हालात होने की वजह से रुपी डीवैल्यू हुआ है, जिसकी वजह से इनको ज्यादा से ज्यादा पेमेंट्स करनी पड़ी हैं। जो इनके फॉरेन लॉस हैं वो काफी बड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूं कि डॉलर जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है, रुपी वीकन होता है, तो उसका इंपैक्ट इंडिविजुअल कंपनी पे इस तरह से आ रहा होता है कि कोई भी कंपनी है अगर बाहर से चीजें खरीद रही है तो उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसको ज्यादा पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो उसका इंपैक्ट आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने ये इंपैक्ट बताया है। और मैं सिस्टमैटिक रिस्क जो बताता हूँ इसकी सारी चीजें आप इस फाइनेंशियल रिजल्ट से इसमें मिलेंगी। फिर उसके बाद जो इन्होंने ओवरऑल जो हुकूमती पॉलिसी है वो जो शिफ्ट आया है उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, उसकी इन्होंने एक वजह बनाई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नून लीग के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में या प्रीवियस गवर्नमेंट जितनी भी थी वो रिलाय कर रही थी फ्यूल ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, यानी कि तेल से बिजली पैदा करने को बहुत ज्यादा रिलाय कर रही थी, जिसकी वजह से जो फ्यूल की कंजम्पशन थी पिछले सालों में बहुत ज्यादा थी। लेकिन अभी जाके जो 2019 में कमी की वजह इन्होंने बताई है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर रही ऑयल के ऊपर, और वो दूसरे जो तरीके हैं बिजली पैदा करने के उन पर बहुत ज्यादा रिलाय कर रही है, जिसकी वजह से इनकी सेल्स में काफी ज्यादा डिक्रीज आई है, क्योंकि पावर सेक्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई है फ्यूल ऑयल की। तो ये इन्होंने मेन चीज बताई थी। फिर उसके बाद जो मैं आप लोगों को हमेशा जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अनाउंसमेंट होती है मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना वायरस की वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अच्छे मेजर्स लिए थे और अच्छे मेजर्स लेने के बाद जो इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा कम किए 13% से 7% पे लाया पिछले 2-3 महीनों के अंदर अंदर ही। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए 2019 के साल में इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा था, जिसका इंपैक्ट मैंने आप लोगों को बताया कि फाइनेंस कास्ट बहुत ज्यादा आ रही है हैस्कोल की, 7 गुना बढ़ गई है पिछले 2018 और 19 के कंपैरिजन में 7 गुना बढ़ी है हैस्कोल की फाइनेंस कास्ट, यानी कि इंटरेस्ट काफी ज्यादा होने की वजह से इनकी फाइनेंस कास्ट बढ़ी है, जिसकी वजह से ये शो कर रहे हैं कि कंपनी के जो लॉस हैं वो काफी इंक्रीज हुए हैं इसकी वजह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल जो इकोनॉमी का रिस्क है, जो सिस्टमैटिक रिस्क है, कितना ज्यादा इंपैक्ट कर रहा होता है किसी भी कंपनी को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मेरी होगी, और आने वाली वीडियोज में मैं कोशिश करूंगा कि मजीद डिटेल आप लोगों को लेके चलूँ, डिटेल से कंपनीज के बारे में बताऊं। तो आने वाली वीडियोज में मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कंपनी उठा के उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं या फाइनेंशियल एनालिसिस है वो आप लोगों को करके बताऊं, ताकि आप लोगों को अच्छा इंसाइट आए कि आप लोग फ्यूचर में अच्छे इन्वेस्टर बन सके लॉन्गर टर्म के लिए। फिर उसके बाद एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, शायद आप लोग ज्यादातर लोग उससे बारे में जानते होंगे, investing.com, इस पर काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स इसको ओपन भी करते हैं, और मैं आप लोगों को investing.com की तरफ लेके चलता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो टेक्निकल एनालिसिस जो इसमें आ रहा है उसमें कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना जरूरी है जो शॉर्टर टर्म के इन्वेस्टर्स हैं।
ये आप लोगों के सामने हैस्कूल के टेक्निकल्स आप लोगों के सामने ओपन है। सबसे पहले जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता, इसकी दो तीन तरीके होते हैं जिसके बाद टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है और जो इन्वेस्टर है वो प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ पे जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा टेक्निकल से रिलेटेड, लेकिन मोस्टली लोगों को पता नहीं होता। तो मैं आप लोगों को आज ब्रीफ सा इसमें बताऊंगा कि investing.com पे अगर आप किसी को सर्च करेंगे तो आप लोगों के लिए जो मूविंग एवरेजेस या टेक्निकल इंडिकेटर्स या समरी से जो रिलेटेड जो इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं वो कंप्लीट डिटेल आप लोगों को यहां पे मिलेगी। तो मैं अगर टेक्निकल एनालिसिस अगर इसका चेक करूं investing.com पे हैस्कोल पेट्रोलियम का, तो स्ट्रांग सेल है, यानी कि यहां पे सारे जो इंडिकेटर्स है वो ये शो कर रहे हैं कि इस शेयर को सेल कर देना चाहिए क्योंकि ये शेयर फ्यूचर में नीचे जाएगा। अब कौन सी ऐसी चीजों की इन्वॉल्वमेंट होती है, मैं आप लोगों को फॉरन से एडवांस चीजों पर नहीं लेके जाना चाहता ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीजों की समझ आए। तो अगर आप लोग इसका जो ग्राफ है उसको चेक करेंगे तो उसमें दो तीन चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जो पॉइंट होता है जहां पे शेयर प्राइस को सपोर्ट मिली होती है, इसका मतलब ये होता है कि सपोर्ट के बाद वो शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। और दूसरा जो पॉइंट होता है वो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट जिसके बाद शेयर प्राइस नीचे गिर सकती है। तो अगर आप लोग यहां पर देखें तो इस टाइम जो शेयर प्राइस है वो 13.92 पे चल रहा है हैस्कोल का, जो इसकी investing.com पे आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो पॉइंट है, अगर आप लोगों को मेरा कर्सर नजर आ रहा है तो इस पॉइंट पे हैस्कोल पेट्रोलियम का शेयर प्राइस पहुंच चुका है। तो इसके बाद इसको सपोर्ट नहीं मिल रही, सपोर्ट यानी कि कोई चीज, कोई इसका ग्राफ इसको ऊपर की तरफ नहीं उठा रहा, इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। ये आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में मैं आने वाली वीडियोज में आप लोगों को मजीद डिटेल में बताऊंगा। तो जो शो कर रहा है कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है इसका, जो पास्ट में जब शेयर प्राइस यहां पर पहुंची थी तो उसके बाद गिरी थी ये नीचे। तो ये 27 मार्च 2020 की बात है जब ये शेयर प्राइस यहां पे पहुंची थी। आप लोगों के सामने इसकी डेट भी आ रही होगी। तो ये शेयर प्राइस यहां से नीचे गिरी है। तो मैं आप लोगों के लिए मजीद कोशिश करूंगा कि जो इसके रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप लोगों के लिए सिंपल वर्ड्स में बताऊं। तो अभी आप लोगों के लिए हैस्कोल से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये फ्यूचर में शेयर प्राइस अपना गिरा सकता है और अच्छा भला गिरा सकता है। अगर इसकी शेयर प्राइस देखी जाए तो ये 10 रुपए तक जा सकता है क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं मिल रही, इसको रेजिस्टेंस मिल रही है जिसकी वजह से शेयर प्राइस इसकी गिर सकती है। तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग अभी हैस्कोल में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए एज पर जो इसके ग्राफ शो कर रहे हैं, इसके टेक्निकल शो कर रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को आज की वीडियो से बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हुए ये सारी चीजें ओपन करेंगे, इनको प्रैक्टिकली खुद भी करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को खुद चीजों की समझ आए। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए जितने भी ये लिंक्स डिस्कस करता हूँ, वेबसाइट डिस्कस करता हूँ, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है मैंने। तो आप लोग जरूर उनको ओपन कीजिए ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा हो मेरी वीडियो से। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियोस में लाता रहूं, क्योंकि कोई भी बंदा सपोर्ट के बगैर अच्छी वीडियोस नहीं बना सकता। तो मैं मोटिवेट हूंगा उससे, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मजीद अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा। तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि लॉन्गर टर्म की जो इन्वेस्टमेंट मैंने आप लोगों के रिलेटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट इसके हैस्कोल के आए हैं उससे रिलेटेड मैंने चीजें बताई हैं, जरूर आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, उससे रिलेटेड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।